हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम जानेंगे, उसके बाद ये इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हम जानेंगे गाइस, उसके बाद आउटकम हम देखते हैं। सिचुएशन मैंने आप लोगों को आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे में ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पर्सन एक नई बिगनिंग्स पे आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये क्रश सिचुएशन भी हो सकती है, सोल कनेक्टिविटी भी हो सकती है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। तो यस, आपके जो पर्सन है यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में बने हुए एज देयर थॉट्स। तो थिंकिंग वाइज ये खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको एक तरह से कन्फ्यूजन में डाल दिया होगा, एक लिम्बो वाले सिचुएशन में डाल दिया होगा, अगर ऑल ऑफ अ सडन ये सोशल लाइफ से विड्रॉ करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर ये हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वहाँ से इनकी एनर्जी टोटली मिसिंग आपको नज़र आ रही होगी। वजह ऐसी है कि ये हो सकता है फ्रॉम द फार दे आर बीइंग ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स यू, ये देखना चाहते हैं कि आप इन्हें कितना मिस करते हो, और मे बी दे आर टेकिंग टू लॉन्ग टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू, और इस तरह से हो सकता है ये आपका पेशेंस भी चेक करना चाहते हैं, एक मिस्ट्री प्ले कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव या इनका नेक्स्ट एक्शन आप शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, जिसके चलते आपकी एनर्जी एक तरह से अभी मिस्टीरियस इनको लेकर बनी हुई होगी। आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली वेयर दे आर एंड ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बिजी होंगे, कहाँ गायब हो गए होंगे, कहाँ छिप से गए होंगे, इस तरह की आपकी कन्फ्यूजन अगर बनी हुई है तो यस, योर पर्सन इज़ डूइंग इट पर्पजली। ये जानना चाहते हैं कि आपका पेशेंस लेवल देखना चाहते हैं कि जब ये गायब हो जाते हैं इनकी जो नॉर्मल या यूजुअल रूटीन से, तो आपका बिहेवियर किस तरह से आता है। दे आर बीइंग पेशेंट एंड मीनवाइल एक एनर्जी में ऐसी भी देख रही हूँ यहाँ पर, इनको लगता है कि कुछ इनके अंदर एक ट्रिगरिंग सी महसूस हो रही है। अगर कोई इंसान अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर बिहेव करने लगता है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। एक तो ये है कि उस पर्सन को एक तरह से रियलाइजेशंस होने लग रही होती हैं, जैसे कि अवेकनिंग कह सकते हैं हम, कि यूनिवर्स के कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के चलते हमें कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव होते हैं कि कुछ हमें समझ में आ रहा होता है, जो हमें हर दिन नहीं समझ में आ रहा होता है, वो ऑल ऑफ अ सडन हमें बहुत सारे डॉट टू डॉट कनेक्ट नज़र आने लगते हैं, एक पज़ल हमारे सामने सॉल्व होने लगता है, और हम चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, और उसके बाद हमें सारी पिक्चर समझ में आती है। तो मुझे एग्जैक्टली आपके इस पर्सन की एनर्जी इसी तरह से नज़र आ रही है कि अगर ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कैजुअल बने हुए थे, इनके साथ हर बार ही ऐसा ही हुआ है कि अगर दिस पर्सन इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन, इनके पीछे अगर पूरा ज़माना है, तो इनको लगता था कि ऐसा होता है, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर देम। लेकिन आपके साथ जब जब भी ये कनेक्टिविटी में आते हैं तो वो एक जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो इनके लिए मिस्टीरियस है। तो शायद ये एक सोल सर्चिंग में चले गए होंगे कि अगर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्शन कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इस कनेक्शन की जो एक स्पेशलिटी है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अमेज कर रही है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन एंड एक एक सोल सर्चिंग में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मोर ओवर इनको कुछ इंसाइट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इससे पहले इन्होंने कभी ना ही सोचे थे, ना जाने थे, ना समझे थे। तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल थाट्स हैं इनके आपको लेकर, और ये और भी क्यूरियस हैं,
टू नो मोर अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी. अगर ये नया कनेक्शन है तब तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपके पर्सन अभी बहुत सारे क्वेश्चन इन आंसर्स में बने हुए हैं. इनको ये खुद से ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे और खुद से ही आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पर्सन कौन है. ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन के आने से मेरी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो गई इन अ पॉजिटिव वे, यू नो. तो शायद आपके पर्सन इस तरह से एक सस्पिशियस एंड सरप्राइजिंग एनर्जीज में बने हुए हैं. दे डोंट नो वॉट टू डू एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विथ इट. तो शायद ये अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं. एंड ऑन द अदर हैंड इनकी फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस. तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, इनके लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं. इन्होंने खुद के लिए गोल्स सेट किए हुए हैं. ये डिफेंड कर रहे हैं, ये डिनाइल भी रखते होंगे एट द सेम टाइम कि नहीं, ये अट्रैक्शन है, ये इन्फैचुएशन है, ये बस टाइम बीइंग है. ऐसा अगर ये सोचकर खुद को एक दो कदम पीछे खींच भी रहे हैं तो शायद ये इस तरह से खुद को अब रोक नहीं पा रहे हैं. और यही वजह है कि आपके पर्सन बार बार इस तरह की थॉट में आ रहे हैं कि मैं जितनी बार भी यहाँ से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जितनी बार भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पूरी तरीके से ना तो यहाँ से वॉक अवे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और ना ही मैं यहाँ से छूट पा रहा हूँ या छूट पा रही हूँ. तो इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की बनी हुई हैं. दे आर जस्ट इवन फीलिंग सो मच एम्बेरस्ड एंड रिग्रेटफुल कि आप की तरफ ये बहुत लिटिल प्रेजेंट कर रहे हैं. जितना इन्हें देना चाहिए, जितना ये दे सकते हैं, उससे बहुत ही कम और बहुत ही लिटिल ये आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं. उस तरह का एक एम्बेरसमेंट भी एक कैरी करके चल रहे हैं अभी कि काश मैं अपने पर्सन की तरफ थोड़ा सा और ओपन अप होता और इन्हें मैं इनके लिए कुछ कर सकता, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू देयर सेल्फ बिलीफ सिस्टम या जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो है. आपके पर्सन और जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो यही वजह है कि दे नो वे टू गो, लेकिन अभी ये रुक रुक कर चल रहे हैं. शायद इनको लगता है कि मुझे ही एक और ज़्यादा एक तरह की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत है. मैं खुद में ही बहुत ही ज़्यादा डबल श्योर होना चाहता हूँ, काइंड ऑफ थिंग. तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की. और ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कनेक्शन पर, तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं. सिक्स ऑफ कॉइन्स, द स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, द लवर्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड द सन वाली एनर्जीज के साथ ये इस कनेक्शन पर बने हुए हैं. मतलब ये इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर. तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, ये रुके हुए हैं और ये देना बहुत कुछ चाहते हैं आपकी तरफ, भले ही वो लव के फॉर्म में हो, एनर्जी के फॉर्म में हो, टाइम के फॉर्म में हो. अगर इवन कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर और सिर्फ आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपने दिल का हाल बताते हो, और ऑन दी अदर हैंड ये हर बार एक रेजिस्टेंस में बने हुए रहते हैं या फिर आपकी तरफ बहुत ही लिटिल या नो कम्युनिकेशन रखते हैं, तो अभी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए वरना बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज कमिंग इन टू दैट लाइट कि अभी ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हैं. और ये शुरुआत है, इनका पहला स्टेप है कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन में आ भी रहे हैं तो यस, ये यूनिवर्स का ही एक पुश है इनकी तरफ. ये इवेंचुअली बहुत कुछ यहाँ पर रियलाइज़ कर पाएंगे. एक्सपेक्टेशंस तो हैं इनकी कि आपके साथ एक नई बिगनिंग्स में आए, चूँकि एग्जैक्टली हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स रखनी है या एक शुरुआत रखनी है, इस कनेक्शन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है. लेकिन अगर ये सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड थे, एक सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज या लिमिटेशंस इन्होंने बना ली थी, तो वहाँ से इन्हें छूटना पड़ेगा, वहाँ से इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि ये बढ़ेंगे. कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है, जो कि हमने इनके थॉट्स देख लिए.
एक रिग्रेट भी है, एक पछतावा जिसको हम कहेंगे, एंड ऑल्सो एक तरह का एम्बेरसमेंट भी है यहाँ पर, और एक सोल की रिकग्निशन है. पता है इनको कि ये ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है. हर बार इनके साथ ऐसा हुआ होगा, लोग इनसे कनेक्ट होते होंगे, और वो एक टाइम तक उस तरह की यू नो एक अटैचमेंट्स भी हो जाती होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम तक रहती हैं. उसके बाद वो लोग भी इनसे छूट जाते हैं. लेकिन आपके और इनके बीच में जिस तरह का भी कनेक्शन है वो काफ़ी लंबे समय तक चला होगा, और ये इन्हें सरप्राइज़ कर गया कि ये जो कनेक्शन है ये समथिंग डिफरेंट है यहाँ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और हमेशा मतलब ऐसे लोग जो हैं एक मिस्टीरियस चीज़ों में ही इंटरेस्ट लेते हैं, कि कुछ इनको ट्रिगर कर जाता है, कुछ इन्हें अमेज्ड कर जाता है, तो तब वो यहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगते हैं. तो यही एक साइन है इनकी अवेकनिंग का, जो कि इनके साथ कुछ हट कर हो रहा है. और जहाँ जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली ले रखा था, अब ये इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है बहुत कुछ, वो भी एक डिफरेंट लेवल से. तो फाइनली यहाँ पर सिचुएशंस जो हैं वो कैसे प्रोसीड होने वाली हैं ये हम देखते हैं गाइस. सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी एक तरह का डिस्टेंस है, खामोशी है, नो कन्वर्सेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं बाय टेकिंग एन एक्शन. वो भी एक इमीडिएट एक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. एंड आपके पर्सन लिटरली आपकी तरफ इस तरह से एक्शन रख सकते हैं, जहाँ पर ये आपको बता रहे हो कि ये हर हाल में इस कनेक्शन को विन करना चाहते हैं. अगर इन्होंने पिछले दिनों इस कनेक्शन को या आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट ले रखा था, तो अब ये आपको शायद आकर बताने वाले हैं कि आप किसी ट्रेजर से इनके लिए कम नहीं हो, और आपकी वर्थ एंड वैल्यू इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है. और अगर आपने एक तरह से चीज़ों को बहुत ही गलत समझ लिया था, जैसे कि मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि दिस पर्सन डजंट लव्स यू, या इन्हें तो कुछ फील ही नहीं होता, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर बने हुए हैं, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अगर ऐसी कंप्लेंट्स आपकी रही हैं इनके प्रति, तो आपके पर्सन ज़रूर उन सारी बातों की क्लैरिफिकेशंस आपको देने की कोशिश करेंगे ज़रूर. बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और जो अदर लोग हैं उन लोगों के लिए ये एक रीच आउट भी हो सकता है. तो बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपके पर्सन एक एक्शन रख सकते हैं गाइस. लेकिन हाँ, आपके बगैर रहना और आपके बगैर अपनी लाइफ के जर्नी को आगे बढ़ा पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और यही बात जो है आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं. डेथ टॉक्स अबाउट अ ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक कम्प्लीटली पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, एक पर्सनैलिटी मर जाती है ताकि दूसरी पर्सनैलिटी जन्म ले सके. तो इनका जो भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट रहा है, जैसे कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, या फिर इनका अपना ही कुछ प्राइड रहा है, और अगर ये अपने ही धुन में रहा करते थे, प्रैक्टिकलिटी पर विश्वास इनका ज़्यादा था, सुपरफिशियल लाइफ अगर ये जिया करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा यू नो प्रैक्टिकल गोल्स थे, फिनेंशियल गोल्स थे, और उसी पर ये हमेशा बने रहते थे, तो वो पर्सनालिटी अब यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी इनके अंदर जन्म लेगी, जो कि हो सकता है वो आपकी डिज़ायर्ड पर्सनालिटी की तरह रहे. जैसे कि अगर आपने इनके अंदर कुछ चेंजेस देखना चाहे थे, आप भी इस कनेक्शन पर ज़रूर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे होंगे, और अगर आपने कभी ऐसा चाहा था कि ये जो पर्सन है आपके लिए चेंज हो जाए, तो यस, आपके पर्सन एक बिल्कुल ही न्यू पर्सन आप लोगों के लिए बनने वाले हैं. और मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ही नए पर्सन हो सकते हैं, यानी कि आपने अगर अपने किसी दूसरे रिलेशनशिप को एंड किया है, तो यूनिवर्स ने आपको रिवॉर्ड के तौर पर ये एक नया पर्सन शायद ला कर दिया होगा, जहाँ पर इस पर्सन के लिए शायद आपने डिज़ायर रखे होंगे. ऐसा होता है गाइस कि अगर लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो यूनिवर्स आपको उस फेज़ में ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देता,
उस फेस से निकाल कर आपको ऐसे फेस की तरफ चैनल करता है जहाँ पर आपका एक्चुअल पर्पस लाइ करता हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये एक कार्मिक फेस की एंडिंग है, यू नो डेथ इवन टॉक्स अबाउट समथिंग इज एंडिंग हियर, तो यस, जो भी नेगेटिव फेस था या नेगेटिव लोग थे आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो इवेंचुअली आप लोगों को छोड़ देंगे या फिर आप वहाँ से छूट जाओगे, ताकि आप ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको जहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक सही पार्टनर चूज करके दे रहा है, जो कि हम टू ऑफ कप्स की एनर्जी से कन्फर्म कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपके जैसा पर्सन, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोलमेट की एंट्री है। यू नो, अगर आप कहीं से छूट गए हो, कहीं से आप रिलीज होना चाहते हो, तो आप लोगों की लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे लोग अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से खुद को मूव ऑन कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रियल पर्पस अगर आपको समझ में आ रहा है कि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस होता है हमें इस लाइफ टाइम में ग्रो करना, अपडेटेड वर्जन में पुश करना, अगर वो पर्पस आप दोनों का पूरा हो गया है इस लाइफ टाइम में, अगर एक वो जो इक्वल गिव एंड टेक है वो आप दोनों के बीच में डन हो चुकी है, तो आप लोग ज़रूर उस पर्टिकुलर से कनेक्शन से मूव ऑन करके अपने लाइफ में हायर लेवल वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ज़रूर यूनिवर्स को पता होता है कि आप लोगों को कहाँ रीच होना होता है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का आने का क्या फिर रीज़न होता है, जबकि उनके साथ 3D पर हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता, कोई यूनियन ही नहीं हो सकती, तो फिर ये लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। बहुत सारे मैं कॉमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरा जवाब यही है गाइस, कि ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पज़ है वो हमारी लाइफ में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होता है। सबकी लाइफ क्योंकि डिफरेंट पैटर्न्स में चलती है, तो आपके पैटर्न्स के हिसाब से आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपके लाइफ के पैटर्न्स को एंड करने के लिए आते हैं, आपको अपग्रेड करने के लिए आते हैं, और आपको एक बेटर वर्जन में पुश करने के लिए आते हैं, ताकि आप वही सारी चीज़ें पिक कर सकें अपनी ज़िंदगी में जो आपके लिए सर्विंग हो। अब तक भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा गलत डिसीजंस लेकर आप हमेशा फंसते आए हो, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको बहुत कुछ रियलाइज़ करवा कर जाते हैं, बहुत कुछ सारे लेसन सिखा कर जाते हैं कि कैसे आपको लाइक इस लाइफ टाइम में अपनी एनर्जी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पर आपको अपना अटेंशन देना है, कहाँ पर बढ़ना है और कहाँ से रिलीज़ होना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके ट्विन फ्लेम आकर सिखाते हैं, और तब जाकर आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी का रियल मीनिंग क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम्स का पर्पस ज़रूर हमारी लाइफ में होता है, उन लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो लोग हमारी लाइफ में आते हैं गाइस, तब हमारी ज़िंदगी की एक रियल अवेकनिंग शुरू होती है, उसके बाद से हम हमारी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिवली प्रोसीड कर सकते हैं, और ऐसे ही इंसान को या फिर ऐसी ही ज़िंदगी को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे लिए ब्यूटिफुली सर्विंग हो, और हम फिर से पछताए नहीं अपनी ज़िंदगी में, रोते ना रहें, हमेशा खुश रहें, इस तरह की ज़िंदगी हम लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आफ्टर द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी लाइक साइड बाय साइड चलता होता है, कि वो एंड नहीं हो रहा होता है, कि आपके पर्सन अगर आपसे इवन नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों का रहता ही है, क्योंकि सबकॉन्शियसली यू गाइस आर कनेक्टेड। तो आपने देखा होगा कि आप कभी भी अपने ट्विन फ्लेम से रिलीज़ नहीं हुए हो कम्प्लीटली, उनकी एनर्जी आपको महसूस होती ही है, और उनका वो एक जो एहसान आप कहोगे या फिर इसको जो भी कह लें आप, वो आप हमेशा महसूस करते हो कि अच्छा हुआ यार ये पर्सन अगर नहीं आते मेरी लाइफ में तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। तो वो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रहता ही है सभी के अंदर, जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी देख कर आ रहे हैं, और उसके बाद की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली आपके डिसीजन मेकिंग्स पर ही डिपेंड करती है, और आप अभी डिसीजन लेने के काबिल बन जाते हो, बस यही डिफरेंस है। तो आई होप मैंने उन लोगों के सारे आंसर्स दे दिए जिन्होंने भी कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि जब 3D में मिलना ही नहीं होता तो फिर क्यों आते हैं एंड ऑल, तो आपका आंसर ये था। आई होप यहाँ पर बहुत सारे अदर लोगों को भी समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो गाइस, इवन आप मुझसे प्राइवेट सेशंस भी ले सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी गिवन डिटेल्स पर
मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इवन जेम स्टोन सजेशंस, चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट्स वगैरह के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।